जनपद हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सुंदर हरिद्वार स्वच्छ हरिद्वार के तहत 17,85,00,000 रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसी दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने एचआरडी अधिकारियों के कार्यों को देखते हुए उनकी प्रशंसा भी की। इसके तहत ही मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि प्राधिकरण स्टेडियम की सुरक्षा और जल निकासी के लिए दीवार और ड्रेनेज प्रणाली का कार्य गतिमान है और प्राधिकरण स्टेडियम से संबंधित समस्त कार्य जैसे मैदान का विस्तारीकरण, नए क्रिकेट पिचों का निर्माण समेत जल निकासी प्रणाली का कार्य भी हो गया है। हरिद्वार से सलमान मलिक की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खेल के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय फोकस किए हुए हैं। ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी हो या अन्य पैरा मेडिकल पैरा के हमारे खिलाड़ीगण हो, जब जब जहाँ जहाँ हमारी भारत की टीम जाती है माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं। उनकी भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूं कि एचआरडीए जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है उसके द्वारा यहां पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहां पे हो सकेंगी। उसमें चाहे फुटबॉल हो, जहाँ मैं खड़ा हूँ छत के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है उत्तराखंड का पहला ऐसा कम्प्लेक्स या एक हमारा जो ये सेंटर होगा जहाँ हम छत पे फुटबॉल खेलेंगे। यहाँ टेबल टेनिस की सुविधाएँ हैं, यहाँ हमारे दूसरे एक्टिविटी यानी हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, दूसरी चीज़ें खेल सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने यहाँ दिखाया है। ये 17,85,00,000 का बना है।